mientes, Fedora. Thank you, bolo. Thanks, bhai. Thanks, bhai. ये बहुत बड़ी चॉकलेट है और साथ में महंगी भी है। तो अब मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो पहले से अगर हम दूसरे के बर्थडे पे उसे कुछ अच्छा देंगे तो हम भी कुछ अच्छा पाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी रात के करीब 11:30 हो गए हैं। पहला मेरा ये वीडियो होगा जो इतनी रात से मैं शूट कर रहा हूँ। अभी मैं अपने कैफ़े में ही हूँ जो कि लक्ष्मण झूला में है, ऋषिकेश में। बहुत दिनों से हूँ, महीनों से हूँ और यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो कैफ़े क्लोज 10:30 हो जाता है और आज भी कैफ़े जल्दी ही क्लोज़ हो गया था। अभी तक मैं अपने रूम पे नहीं गया हूँ क्योंकि आज भैया का बर्थडे है, नीतीश भैया का, परसों जिनके साथ हम घूमने गए थे। शायद आपने नहीं देखा होगा तो आज देख लेंगे, आज उनका जन्मदिन है। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम कुछ लोग रुके हुए हैं, कुछ हमारे गेस्ट भी हैं हॉस्टल के। तो आज हम आग जलाने वाले हैं, बॉर्न फायरिंग करने वाले हैं, मुझे तो बोलने भी नहीं आ रहा है। और ऊपर हमने छत पे तैयारी कर दी है इस चीज़ की। और अब थोड़ी देर में हम केक तो ऑर्डर नहीं करा है तो यहीं पे ब्राउनी बनाएंगे, तो ब्राउनी काटेंगे। भैया का बर्थडे है इसलिए हम लोग इतना लेट तक रुके हैं। बाकी और लोगों से मिलाता हूँ थोड़ी देर में, वैसे नींद भी आ रही है लेकिन बर्थडे है तो रुकना पड़ा। और आग जलाएंगे तो मैं एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से सारे लोग बैठेंगे। नाच गाना, नाचना नहीं लेकिन गाना हो सकता है, गिटार वगैरह प्ले करेंगे। बाकी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आप ज़रूर देखना पूरी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना। और मैंने उनके लिए कुछ लाया भी है, एक बड़ी सी चॉकलेट। ये बहुत बड़ी चॉकलेट है और साथ में महंगी भी है। तो अब मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो पहले से अगर हम दूसरे के बर्थडे पे उसे कुछ अच्छा देंगे तो हम भी कुछ अच्छा पाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट मैंने उनके लिए ली। अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरा धन्यवाद करें कि मैंने उनके लिए इतनी प्यारी चॉकलेट ली। अभी तक आप इसे खा चुके होंगे, है ना। अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें। बाकी हैप्पी बर्थडे ब्लॉग में भी, और अब उनसे भी मिलाएंगे आपको थोड़ी देर में 12:00 के बाद। अभी उन्हें पता नहीं है कि हम उनके लिए ये सब सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, तो वो पता नहीं है अभी कहाँ है, यहाँ पर तो नहीं है। तो केक तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने किचन से बनाने वाले हैं ब्राउनी, जिसके लिए पवन भाई ने तैयारी शुरू कर दी है। और ब्राउनी भी बिल्कुल दिल के सेब में बनने वाली है। क्या होती है ब्राउनी मुझे तो पता भी नहीं। तो ये चॉकलेट और आटे को मिक्स करा जा रहा है, पता है मुझे, देखा मैंने जब गेस्ट लोगों को सर्व होता है। और वहाँ पे पॉपी भी रुका हुआ है। बोलो ना यार, हेलो। उस दिन भी तो आपने कितना सारा बोला था पहले दिन। तो क्या हुआ ये क्या? तो दीदी पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों शर्माती है, इसीलिए मैं दीदी को कभी भी नहीं दिखा पाता हूँ ढंग से। दिखा, देखो ना इधर, हेलो तो बोलो एक बार, सिर्फ एक बार थक्का लिखा के। वैसे भी आपको ज़्यादा लोग जानते नहीं है जो मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है सरप्राइज़ देने की। वाह, कहा कि मुझे भी कोई ऐसा सरप्राइज़ दे मेरे बर्थडे में। ये ला तो दिया, ये रहा अमूल वाला। अब अमूल वाला कहाँ है? अमूल डाला है इसमें? अमूल वाला नहीं है शायद। होगा यार, है। कितना टाइम लगेगा इसे बनने में? कम से कम इसको लगेगा 12:00 ही वाले हैं। 5 मिनट कितने में? बहुत मेहनत की जा रही है यहाँ किचन में। ओवर टाइम। हमारी टेस्टी टेस्टी ब्राउनी बिल्कुल केक की तरह है ना, केक का स्वाद है कि नहीं? तो अभी हम चम्मच भी ले आ गए हैं ब्राउनी के ऊपर डालने के लिए, तब अच्छा लगेगा ना इसे। कितनी मेहनत की जा रही है। 3, 2, 1, 9, 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 9
टाँका लगाओ। क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा? लगा तो रखी, यहीं पे जलाऊं? मेरी वीडियो बना रहे हो? नहीं, मैं बना रहा। एक लोग बना लो वीडियो, इसे पकड़ो मेरे, मेरा हाथ से, मेरे हाथ से छूट जाएगा ये। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे डियर नीतीश भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रो लाइटर भाई, तू शराब पी रहा हो?
हैप्पी बर्थडे नीतीश भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday. थैंक यू बोलो। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई। ये हम सबकी तरफ से कर लेंगे। सिर्फ मेरी तरफ से है वो। ओके। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैंने बोला 6-7 8। इधर देखो, कल आप घूमने जा रहे हैं ना? देखूंगा, पक्का नहीं। किसके साथ? अकेले। अकेले कौन जाता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। कल रात को हम बहुत देर तक बैठे रहे छत के ऊपर और वहाँ पे लाइट नहीं थी तो वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया मैं। सारे लोगों को भी नहीं मिला है जितने लोग वहाँ पे थे। सारे हमारे गेस्ट थे जो कि हॉस्टल में रुके हुए हैं। बाकी भैया का बर्थडे था तो उन्होंने केक काटा जो कि हमने बनाया था। थोड़ी देर तक हम बैठे रहे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो ज़्यादा देर तक नहीं रहे। सुबह भी ड्यूटी पे जल्दी आ गए थे। अभी सुबह के करीब 11:30 हो गए हैं। आज कैफ़े में बहुत कम भीड़ है, काफ़ी कम लोग सुबह से यहाँ पे आए हैं। ऐसे होता है जब वीकडेज होते हैं तो बहुत कम भीड़ होती है और जब वीकेंड होता है तो बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाती है। यहाँ ऋषिकेश में कुछ ऐसा ही सीन है और आजकल लक्ष्मण झूला भी बना है तो कम ही भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है।